सात्विक अर्थात शुद्ध, सच्चा, नैतिक, ऊर्जावान, स्वच्छ, मजबूत, बुद्धिमान और जीवित। वैदिक सरितांजलि की रसोई से सभी को राम राम। आज हम बताएंगे कि कैसे आप आलू और बरबट्टी का बिना तेल का सात्विक सब्जी बना सकते हैं। यह एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है जो आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। बिना प्याज, लहसुन और बहुत कम तेल मसालों के साथ एकदम शुद्ध तरीके से बनाया गया भोजन सात्विक भोजन कहलाता है। आयुर्वेद और हिंदू शास्त्र में इसे सबसे अच्छा और शुद्ध कहा गया है। साधु संत योगी हमेशा ऐसा ही भोजन करते थे। विशेषज्ञों के अनुसार इससे शरीर को पूरा पोषण और ऊर्जा मिलती है और दिमाग को शांत बनाता है। सात्विक भोजन की यही खासियत है कि यह आपके पेट को आराम देता है और इसे खाने से आपको ताजगी का एहसास होता है। मन भी शांत रहता है क्योंकि ऐसा भोजन करने वालों को कभी भी पेट संबंधी बीमारी नहीं होती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ हमने लगभग 150 ग्राम बीन्स लिए हैं और 2 आलू लिए हैं जिन्हें हम अच्छी तरह धोकर काट लिया है। आप देख सकते हैं हमने इस प्रकार बीन्स को काट लिया है और ये है 150 ग्राम कटी हुई बीन्स। और इसके बाद यहाँ पर हमने आलू को भी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है क्योंकि हम इन्हें मिट्टी की कढ़ाई में आसानी से जल्दी पका पाएंगे। मिट्टी के बर्तन में अगर आप आलू के छोटे छोटे बारीक टुकड़ों को पकाते हैं तो वो आसानी से पक जाते हैं। सब्जी काटने के बाद हम एक मिट्टी की कढ़ाई को मध्यम आंच पर गरम कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मिट्टी की कढ़ाई को हमने मध्यम आंच पर गरम कर लिया और उसमें एक छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। आप देख सकते हैं हम यहाँ बिना तेल का इस्तेमाल किए सीधा जीरा डाल रहे हैं। इसके बाद हम लेंगे 2 तेज पत्ते और कुछ करी पत्ते। इनसे हमारी सब्ज़ी में महकदार खुशबू आएगी। इन मसालों को हम सूखा भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक इनमें से अच्छी महक आने लगे। मसालों को भून लिया है और इनमें से अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें 2 चुटकी हींग डालेंगे और इसके बाद ध्यान रखें कि हींग को जलाना नहीं है और इसलिए हम तुरंत ही कढ़ाई में कटी हुई सब्जी को डालेंगे। यहाँ हमने बीन्स और आलू दोनों को एक कढ़ाई में डाल लिया है और अब हम एक छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे। सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिलाते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम सब्जी में 1 कप पानी मिला लेंगे। हमने पानी मिलाया है ताकि सारी सब्जियां अच्छे से पक जाए। पानी डालकर हम इस कढ़ाई पर ढक्कन लगाकर ढक देंगे ताकि भाप से हमारी सब्जियां पक जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं सब्जी मिलाने के बाद हमने इसे इस प्रकार ढक्कन से ढक दिया है। इन्हें पकने के लिए लगभग 7 से 8 मिनट तक का वक्त लग सकता है। तो जब तक सब्जी पक रही है हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़े टुकड़े ताज़ा नारियल के, 2 कटी हुई हरी मिर्च तीखापन के अनुसार लें, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 1 बड़ा कटा हुआ टमाटर लिया है। इन सभी सामग्री को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर हम अब अच्छी तरह से पीस लेंगे। सात्विक सब्जी में कच्चा टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। टमाटर या टमाटर का पेस्ट को पकाया भुना नहीं जाता है। सात्विक सब्जी में टमाटर के पेस्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए यहाँ हमारी ग्रेवी तैयार है और अब चलते हैं सब्जी की ओर। ढक्कन हटाकर हम देखते हैं कि सब्जी पकी है या नहीं। यहाँ लगभग 7 मिनट बाद सारा पानी सूख चुका है और अब हम इसे अच्छी तरह चलाते हुए मिला लेते हैं। 1 चम्मच की सहायता से हम चेक कर लेंगे कि हमारी सब्जी पकी है या नहीं। यहाँ पर सब्जी सॉफ्ट हो गई है और क्योंकि आलू के छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं ये आसानी से पक चुके हैं। अब इस पॉइंट पर हमें आंच को यानी गैस को बंद कर देना है। गैस बंद करके ही हम टमाटर और नारियल की ग्रेवी को डालेंगे।
गैस बंद करने के दो कारण हैं। एक है नारियल, क्योंकि हमारी ग्रेवी में नारियल है, हम नारियल के पेस्ट को भूनते हैं या पकाते हैं तो वो तेल छोड़ देता है, इसलिए ताज़ा नारियल को पकाया नहीं जाता है। दूसरा है टमाटर, टमाटर को भी पकाने पर उसके पोषण तत्वों का नाश हो जाता है, इसलिए टमाटर और नारियल की ग्रेवी को हम सबसे अंत में मिलाते हैं गैस बंद करके। गैस बंद करके बाद हम ग्रेवी को मिला लेते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं मिट्टी की कढ़ाई में बहुत सारी भाप बनती है, यानी ये ज़्यादा देर तक गर्म रहती है जिससे व्यंजन काफ़ी स्वादिष्ट और महकदार बनता है। और यहाँ ग्रेवी डालने के बाद ही हम सब्ज़ी में नमक डालेंगे, नमक भी सब्ज़ियाँ पकने के बाद ही डालना चाहिए। नमक में भी सेंधा नमक का इस्तेमाल करना सेहत के लिए अच्छा होता है। एक छोटा चम्मच सूखा धनिया का पाउडर डालेंगे और सभी सामग्री को अच्छी तरह मिला लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ हमने गैस बंद कर दिया था, फिर भी हमारी मिट्टी की कढ़ाई गर्म है और भाप छोड़ रही है। ये तो खासियत है मिट्टी की बर्तन में बने व्यंजनों की, ये पौष्टिक स्वादिष्ट और उत्तम होते हैं। इन्हें बनाना काफ़ी आसान है और अपनी रोज़मर्रा की जीवन में अपनाना भी बहुत आसान है। यहाँ हमने सभी सामग्री को अच्छी तरह मिलाकर 5 मिनट के लिए ढककर रख देना है ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह मिलकर फ्लेवर यानी स्वाद बढ़ाए और महकदार हो जाए। 5 मिनट बाद भी आप देखेंगे कि हमारी सब्ज़ी गर्म ही रहेगी क्योंकि ये मिट्टी की कढ़ाई में रखी हुई है। तो यह था हमारा आलू और बीन्स का बना बिना तेल का सात्विक सब्ज़ी व्यंजन। यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है और इससे बनाना बहुत ही आसान है, तो इसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और स्वाद उठाएँ। ऐसी कई सारी वीडियोस की रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और इनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका धन्यवाद।